आज मैं बताऊंगी आपको कि कस्टर्ड कैसे बनाया जाता है। ये हमने दूध को गर्म कर लिया है, इसमें हल्का सा बॉईल आएगा, हम शक्कर डाल देंगे। बॉईल आने दीजिए, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। आपकी है आज कस्टर्ड बना रही हैं आपको सिखाना। तो ये देखिए दूध गर्म हो रहा है पतीली के अंदर, ठीक है। बहुत ही जल्दी बनाना, देखेंगे कोई वो नहीं होती इसमें खिचखिच, बहुत ही जल्दी बन जाता है। मेहमान आए हुए भी बैठे हो तो आप फौरन बना सकती हैं। ये देखिए दूध इतना बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, ठीक है। ये 5 चम्मच के करीब चीनी है, बहुत सिंपल है। आप इसमें यूं चलाइए, ठीक है। जब शक्कर हल हो जाएगी इसमें, अभी थोड़ी देर में दूध मीठा होना शुरू हो जाएगा, आपको बताती हूँ। ये जेलो मैंने बना ली थी ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो, सबको पता है जेलो किस तरह से बनती है। ये 5 टेबल स्पून के करीब मैंने कस्टर्ड निकाल लिया था। दूध का मेथड आपको बता चुकी हूँ, दूध में शक्कर मिला के आई हूँ मैं। ये रेड वाली जेलो है थी, और ये देखिए थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने, ठीक है। ये केक हैं, केक के पीसेस, ये होम मेड है मेरे हाथ के बने हुए, ये मैंने ओवन में बनाए हैं। और अभी हम कस्टर्ड की वीडियो बना रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं बता दूं, मैं घर का ही केक इस्तेमाल करती हूँ। आज के वक्त में तो बिल्कुल ही बाहर का कुछ नहीं खाया जा रहा है, ये देखें वायरस की वजह से। ये देखें मैंने पाइन एप्पल, मैंगोस, एप्पल, बनाना, ये कुछ फ्रूट्स थे जो मेरे पास घर में पड़े रहते हैं, ये मैंने कटिंग करके इसमें रख लिया, ठीक है। उर्दू में भी बता देती हूँ, अनानास, सेब, केला और आम, ठीक है। ये मैं ढक के रख देती हूँ। अभी हम बताएंगे आपको क्या करना है, बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है। अच्छा अब देखिए ये दूध है, थोड़ा नीम गर्म सा है ये। अब इसमें 5 टेबल स्पून हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे, इसको घोल लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये मैंने यूं किया कि डायरेक्ट हम नहीं घोलते, हर कोई यही करता है कि पहले छोटे से बर्तन में लेता है दूध को और उसमें ही करता है। अब इसको जल्दी जल्दी मैं घोल के आपको बताती हूँ। देखिए ऐसे ना इसको घोल लीजिए अच्छी तरह, और दूध अगर थोड़ा सा गर्म होता है तो बहुत स्मूथली ये अपने आप को इसमें हल कर लेता है। ये मैंने बनाना लिया था, बनाना कस्टर्ड फ्लेवर है ये मेरे पास, मुझे बहुत पसंद है ये। ठीक है मैं भी बताती हूँ आपको आगे अब क्या करना है। ये हल हो चुका है, ये पास आ गई हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ये शामिल करेंगे, क्योंकि एकदम से नहीं शामिल कीजिएगा, और ये इसको इसमें बीटर को अपने हाथ से चलाते रहिएगा, ये बड़े काम की चीज़ होता है, ये गुठलियाँ नहीं पड़ने देता, कब गिर से फिर भी पड़ जाएंगी। ये देखें ये हमारा कस्टर्ड गाढ़ा होने लगा है, हमने रफ्तार तेज कर दी है अपनी स्पून हिलाने की, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। अच्छा आपको अब जितना गाढ़ा और जितना पतला रखना है यहाँ आप रख सकते हैं, ठीक है। बस अब मेरे को तो बस यही चाहिए। ये देखें बहुत प्यार से इसको काट दिया आप लोग, तो मुझसे अच्छा काम कर लेते होंगे, काफ़ी समझदार हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से सब देखने वाली। ये देखिए ठीक है, ठीक है। अब हम सजावट की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
सबसे पहले इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर हम केक रखेंगे। आज मैं कस्टर्ड बना रही थी तो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो आपको डाउनलोड कर दूं, बता दूं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा यूं ताकि हर जगह आ जाएगी। बिल्कुल आराम से रफली सा डाल दिया बस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट लेंगे अपने। ड्राई फ्रूट को हम यू यू करके फैला देंगे, बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है आराम से। ठीक है, अच्छा मैं यहां ये करती हूं कि मैं थोड़े से गैलोज डाल दूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़े से ग्रीन वाले गैलोज डाल देंगे हम यहाँ पर। ओके, ज्यादा कर देते हैं। रह तो नहीं गया हमारा। ये पाइनएप्पल के कुछ पीसेस हैं, ये मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये मेरा खुद हाथ का कटा हुआ पाइनएप्पल है, अगर पाइनएप्पल कटर से आपको कभी काटना हो या सीखना हो तो मुझे बताइएगा, मैं पाइनएप्पल खुद से आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। काफी डिफरेंट होती है उसकी कटिंग और काफी डिफिकल्ट भी होती है इसकी कटिंग, मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत ईजीली कट जाता है। रहीम, अब ये कस्टर्ड को हम ये करेंगे, देखिए ये खुद ही नीचे तक जाएगा अपने आप को लेकर। ये इसी पतीली के उसमें हम डालेंगे। ये आ गया पूरा कस्टर्ड हमारा। ओके, यहां तक बात समझ में आई, ये कस्टर्ड आ गया। सेट होने के लिए तो बेचारा ये थोड़ी देर बाहर भी रहेगा तो सही है। लोग ठंडा करके कुछ डालते हैं लेकिन मेरी आदत है मैं हमेशा इसी तरह डालती हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है सबको, बहुत मजा भी आता है। अच्छा, अब हम ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ा सा हल्का सा 5 मिनट के करीब ठंडा हो जाने का इंतजार करेंगे। आप लोग इसके ऊपर खाली अगर जेलो डाल दें और इसको ऐसी सजा दें तो ये तैयार है, लेकिन मैंने जो करना है ना मैं अभी आपको बताती हूँ। मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर से ठंडा करने का इंतजार करना होगा क्योंकि मुझे इस पर क्रीम की फ्लावर्स बनाने हैं। ठीक है ना, जब तक मैं पाइपिंग बैग तैयार करती हूँ, क्रीम मैंने वेप करके फ्रिज में रख ली थी, डीप फ्रीजर में ऊपर को, ताकि वो मजीद चिल्ड हो जाए और उसके बाद मैं उसको भर के लाती हूँ जब तक ये बेचारा ठंडा ठंडा हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर रखेंगे ठंडी ठंडी क्रीम तो वो पिघल जाएगी, उसके फ्लावर्स जो बने हुए होंगे ना वो मेल्ट हो जाएंगे, तो हमारी सारी मेहनत चली जाएगी बेचारी कहीं और। तो घूमने फिरने के लिए, इंजॉय करने के लिए, मेहनत भी इंजॉय करनी चाहती है। तो ठीक है, इसको ठंडा होने का इंतजार करते हैं, फिर मिलते हैं। फिर आपने क्या करना है, यू कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैंने कहा सजाना तो आपने अपने तय है ना, इसको आपका वक्त ना कहीं जाए, बर्बाद ना हो आपका वक्त, आपका वक्त बिल्कुल सुनहरा वक्त है। कहेंगे तो मैं ये भरना सब आपको सिखा दूंगी। मैंने कहा तैयारी तो हर आदमी अपनी जैसी करता है कि प्यारी प्यारी उसको जैसा प्यारा लगे, मुझे ऐसे प्यारे लगता है हमेशा से। बस हमें इतनी जरूरत थी क्रीम की, बाकी को हम दूसरी चीज पे सजा लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, आप सिर्फ इतना देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ना यहाँ ऐसे ना यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। खाने में ये ठंडा होके इतना मजे का लगेगा, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे कि मतलब ये बाजार टाइप लगेगा, तो आप यकीन नहीं करेगा कोई कि आपने बनाया है। अगर आप कहेंगे मैं आपको केक भी बनाना सिखाऊंगी, माशाल्लाह से बहुत प्यारा केक बनाती हूँ, अक्सर किसी की भी बर्थडे होती है माशाल्लाह 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 से, तो मैं घर पे केक तैयार करती हूँ, बाजार से हमारे नहीं आता, 5-6 साल हो गए मैं घर पे ही बनाती हूँ। अगर आप कहेंगे मैं वो भी बनाना सिखा दी। अच्छा ये जो मैंने किया था ना, ये देखें, ये देखें अच्छा लग रहा है ना ऐसे भी। अगर आपको मजीद जेलीज पसंद है रखते जाइए, आपको देखें कितनी हमारी ग्रीन जेली भी बच गई, और घर में कोई बच्चा हो तो दे दीजिए खा लेगा वो जेली वगैरह, जबकि मैंने अंदर भी कितनी भरी है। ये एक पैकेट जेली का लिया था, माशाल्लाह से आप सारी बहनों को बनाना आता है, सब भाई को बनाना आता है। एक यहाँ ग्रीन कलर का रख दीजिए, देखिए कितना ओवर लगने लगा ना, और एक यहाँ रख दीजिए, बस टू मच है यार इतना। अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक आ रहा है, ये सिर्फ मैं आपके लिए इतनी वो कर रही हूँ कि आप लोग समझ लें, वरना ये था सही। बस एक यहाँ छोटा सा रख दें, अब खाली खाली लग रहा है यहाँ पे, बस। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, क्रीम बची थी इसको थोड़ा सा ना, मेरे ख्याल से शायद ओवर हो जाएगा अब अगर मैं भरूँ इसको। मैं ज्यादा की क्रीम लाइक नहीं करती हूँ, ज्यादा क्रीम ना खानी भी नहीं चाहिए, बस मैंने कहा ना ओवर हो जाएगा ये। ओके ये तैयार है आपका कस्टर्ड। और अगर आपको मेरी रेसिपी, अब मैं ये कहाँ सजाऊंगी, मैंने ये रखने के लिए लगाया था लेकिन मैं जेलो से डाल गई हूँ, आपको मैं और बताती हूँ। थोड़े से ना पाइनएप्पल आप यहाँ रख दीजिए, और थोड़े से पाइनएप्पल आप यहाँ रख दीजिए, और जगह नहीं बच रही है ना, इतना चीज़ें हमने लगा दी हैं इसमें, इतना मज़े का हो गया है अब ये। बस वैसे भी जब ये ख़त्म होता रहे ना तो आप इसके ऊपर सजाने के लिए रख दें। मैंने पता है क्यों क्या किया था, मैंने ये नहीं रखनी थी यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने ना ये इसके अंदर ये रख लेना था, ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा चले मैंने अपना ये किया कि लोग चलो ज़्यादा पसंद करते हैं ऊपर, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको बना लिया। अब इसको आप फ्रिज में रख सकती हैं, ठंडा हो चुका है, और फ्रिज में रख के आप जो हैं इसको सबके सामने पेश कर सकती हैं। देखिए बच्चे भी बहुत शौक से आएंगे, जेलोज बहुत सारे पड़े हुए हैं, सब चीज़ें इसके ऊपर हैं, सजीवी क्रीम भी है साथ में, मीठी मीठी सी क्रीम को मैंने ये किया था, इसको मैंने एक पैकेट क्रीम का ले लिया था, मिल्क पैक की क्रीम थी ये, इसमें शक्कर डाल ली थी मैंने 4 टेबल स्पून के करीब, इसको वेप कर लिया था मशीन के साथ, और फिर इसको उसमें पेपिन बैग में भर लिया था, और फिर इसको सजा लिया है, ठीक है। और जेलोज आपके को पता है कैसे बनते हैं, और ये मैंने पाइनएप्पल कट किया था अभी खड़े होकर नया ताज़ा, और उसको फिर मैं कट करके यूँ रख लिया था पूरा कि मैं पूरा ही अंदर रख दूंगी इसके, लेकिन मैंने अब आइडिया बदल लिया, मैंने कहा शायद आप लोग इस तरह आप लोग लगाते ना हो, तो आप लोग इसी तरह मैंने देखा है तो मैंने इसी तरह का बना दिया आपको, ताकि यूँ करके निकलेगा तो बहुत ही अच्छा जायका लगेगा आप लोगों को। आप लोग ये देख लें, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी लाइक हुई हो, अच्छी लगी हो, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे जो है लाइक कीजिए, और बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच